सीहोर जिला पंचायत में सामान्य प्रशासन समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान वित्तीय वर्ष के बजट और आय व्यय की समीक्षा की गई। वहीं जल संवर्धन को लेकर भी चर्चा की गई। देखिए इस खास रिपोर्ट में। इंदौर जिला पंचायत अध्यक्ष कविता पाटीदार और जिला पंचायत सीईओ नेहा मीणा ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट और 2018-19 के खर्च और इनकम की समीक्षा को लेकर सामान्य प्रशासन समिति की बैठक आहूत की। बैठक में अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान जिला पंचायत के अन्य विभागीय मुद्दों और विकास कार्यों की रणनीति बनाई गई। जिला पंचायत अध्यक्ष कविता पाटीदार ने बताया कि बैठक में जिला पंचायतों के कामों के विस्तार और जिले में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की रणनीति बनाई गई। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जल संवर्धन अभियान पर भी काम करने की रूपरेखा तैयार की गई। एक्चुअली जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन की बैठक थी। इसमें जो हमारा वित्तीय वर्ष के सारे आय व्यय के जो भी हमें पैसा प्राप्त होता है, जो खर्च हुआ, उसको लेकर बैठक होती है। सारे विस्तार से हम लोगों ने एक एक बिंदु पर चर्चा की और हम चाहते भी हैं कि जिला पंचायत इंदौर ग्रामीण में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करें और मध्य प्रदेश शासन से और हमें फंड मिले ताकि हम और कार्य विस्तारों को करें। कुछ शौचालयों के निर्माणों के भी नए नियम और अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी के जो जल संवर्धन को लेकर चिंता उनने जाहिर की है, उसको लेकर भी आगामी प्लानिंग्स पे हम लोगों ने चर्चा की है कि हम जल संवर्धन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में क्या प्लानिंग्स कर सकते हैं। कुछ बिंदु हम लोगों ने निकाले हैं जिसके माध्यम से हम लोग जल संवर्धन का कार्य करेंगे और पूरे प्रदेश नहीं, देश में ही जिला पंचायत इंदौर ग्रामीण क्षेत्र के कार्यों को याद किया जाए, ऐसे हम कार्य करने की प्लानिंग बना रहे हैं। तो उसको लेकर हमारी विस्तारित बैठक थी और उस पर हम लोग तय कर लिए हम लोगों ने बिंदु और उस पर कार्य हम लोग बहुत जल्दी चालू करने वाले हैं। कुल मिलाकर इंदौर जिला पंचायत को देश में पहचान दिलाने के लिए जिला प्रशासन समिति ने तमाम तरह के पहलुओं पर रणनीति तैयार की। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।